अभी तक अपन लोगों ने टर्की टाउन काफी बार जीता है एंड वेल ऑलमोस्ट सारी यूनिट उसमें ट्राई कर रखे हैं, चाहे भैया वो अपना शेफ टीवी मैन हो, गॉडली यूनिट हो या फिर यूटीसी, मैंने सभी ट्राई कर रखे हैं, बट स्टिल अपन लोग 18 मिनट और 46 सेकंड का टारगेट बीट नहीं कर पा रहे। वेल अपना भैया हाईएस्ट स्कोर है अभी तक का 18 मिनट 46 सेकंड। एंड भैया मैंने सारे बंदे ट्राई कर लिए, इवन तो कल की वीडियो में भैया गॉडली यूनिट भी ट्राई कर लिया, बट स्टिल भैया इस टारगेट को बीट नहीं कर पा रहे। बट आज अपन लोग भैया कुछ नया ट्राई करने वाले हैं, एक नया टीम का कॉम्बो ट्राई करने वाले हैं, जिसकी मदद से आई गेस अपन लोग ये टारगेट बीट कर सके और गेम को जल्द से जल्द कंप्लीट कर सके। वाला यू नो तुम लोगों को भी जानना है वो टारगेट वो कॉम्बो कौन सा होने वाला है, राइट? तो वेल भैया उस कॉम्बो में होने वाले हैं अपने मेडिक भैया। आई नो मैंने काफी टाइम से इस बंदे को यूज नहीं किया है, बट आज इसकी बहुत नीड होने वाली है, ओके? एंड देन दूसरा है अपना पंपकिन फार्मर, बिकॉज वी नीड मनी ऑल्सो, और देन सीक्रेट एजेंट। यस यू आर राइट, सीक्रेट एजेंट। क्यों? वेल मैं बताता हूँ, ये भैया बहुत बड़ा मेन बंदा होने वाला है आज का अपना, ओके? जो अपने इस टाइम का जो है ना पूरा गेम, इसको संभाल के रखेगा। तो तुम समझ जाओगे मैं इसको क्यों ले रहा हूं, ओके? देन अगला अपना यूटीसी और देन अपना शेफ टीवी मैन, क्योंकि मुझे लगता है इनकी मदद से अपना टाइम थोड़ा और बढ़ेगा। वेल टाइम बढ़ने से मेरा ये तात्पर्य नहीं है कि भैया अपना टाइम ऊपर जाएगा, टाइम बढ़ने से मेरा तात्पर्य है अपना टाइम नीचे जाएगा। आई नो प्रीटी कंफ्यूजिंग, बट है ऐसा ही है एक्चुअली, है ना? ऑलराइट, तो वेल पहले एक काम कर देते हैं, इस बंदे को यहाँ प्लेस कर देते हैं। एंड यस, मैंने इस बंदे को अपने मेडिक से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि उसका ओह शिट, मेरे को भैया ऑटो स्किप ऑन रखना है, मेरे को भाई एक एक सेकंड सिक्योर करना है आज अपना, ओके? एंड भाई अपने इस बंदे को यहाँ लाने का एक सिंपल रीजन ये है कि मेडिक ठीक है, बट भाई स्टार्टिंग में अपने को पैसा कम मिलता है और बंदे ज़्यादा आते हैं छोटे छोटे, और ये अपने टावर तक पहुँच जाते हैं, तो उसको सिक्योर करने के लिए अपने को ये करना पड़ेगा। और पहले तो भैया एक पंपकिन फार्म यहाँ प्लेस करने दो, ताकि भैया अपनी इनकम डबल हो सके, और देन तीन गुना और देन चार गुना, और इसी तरह अपने को ये करना पड़ेगा। और एक छोटा सा बंदा निकल गया, नेवर माइंड, पहले इस बंदे को भैया बहुत सारी अपग्रेडिंग देनी पड़ेगी। एंड वेल उसके अलावा एक काम कर लेते हैं, जैसे ही अपने पास पैसा होता है पहले तो एक मास्टर सेफ यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। वेल मैंने भैया इस बंदे को इस तरह लगाया है कि ये उधर के बंदों पर फोकस नहीं करेगा, ये सिर्फ इधर के बंदों पर फोकस करेगा, क्योंकि अभी के लिए इसका कूल डाउन देख रहे हो ना तुम, 2 सेकंड, तो इसके कूल डाउन को बचाना पड़ेगा। फॉर क्यों? वेल बताता हूँ, बट वेल भैया अब इसका एक्चुअली मैं कूल डाउन कम कर देता हूँ, क्योंकि अब आने वाले हैं फास्ट एंड फ्यूरियस के दीवाने, और इनमें से एक भी बंदा अगर सर्वाइव करके तीन बंदे पहुंच गए ना, तो अपना टावर टूट जाएगा। सो या दैट्स वाई मैंने अपना मास्टर सेफ वहां पर प्लेस किया है, ओके? ताकि भैया अगर इस बंदे से इक्का दुक्का बंदे बच के आए तो उनका गेम बच जाए, दैट्स ऑल। एंड वेल स्टिल कोई इनसे बच के नहीं आया, तो प्रेटी गुड। और वेल भैया अभी अपने पास टाइम है, तो अपने जितने हो सकते हैं उतने पंपकिन फार्म यहाँ प्लेस कर देते हैं, क्योंकि ट्रस्ट मी बॉयज एंड गर्ल्स, बाद में अपने को जहर खाने का भी टाइम नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी, ओके? ट्रस्ट मी। और वेल फटाफट इन बंदों को सभी को 250 वाली अपग्रेडिंग दे देते हैं, ताकि इनकी इनकम थोड़ी सी इंक्रीज हो, अपने को थोड़ा ज़्यादा पैसा मिले, और अपनी अपग्रेडिंग का काम जल्दी जल्दी हो सके। आज अपने को बहुत अपग्रेडिंग करनी है, ओके? बहुत सारी अपग्रेडिंग करनी है। वेल पहले ले लो तुम इसी बंदे को 1000 वाली अपग्रेडिंग, डेफिनेटली मैं देना चाहूंगा, क्योंकि देन इस पे आएगा अपना स्टन करने वाली शक्तियां, और उसका फायदा निभाएगा अपना ये बंदा। बट अभी के लिए यहाँ आ जाते हैं और इन्हीं को अपग्रेड कर लेते हैं, जैसे भैया बड़े बड़े बंदे आएंगे ना भाई, अपग्रेडिंग वगैरह भूल जाओ तुम, कतई नहीं होगी, ओके? एंड बाय द वे भैया, पहले तो मैं अपने 2 बंदों को मैक्स अपग्रेड कर लेता हूँ, क्योंकि देन पैसा आता रहेगा, अपना काम भी बनता रहेगा, पैसा भी आता रहेगा। और यस डेफिनेटली ये बंदा बहुत ही सही काम कर रहा है भाई, मेरे को बार बार डर लग रहा है कि पीछे कोई ना निकल जाए, क्योंकि वहां पर आज कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, तो या डेफिनेटली अपनी ऐसी तैसी हो सकती है अगर कोई जिंदा निकल गया तो। सो यप, अपने को भैया कतई अलर्ट रहना पड़ेगा। और पहले मैं अपने साइंट अपने इस क्या बोले अपने मास्टर सेफ को अपग्रेड करना चाहता हूँ, बट सही कहूँ भाई सिचुएशन ऐसी है ही नहीं कि मैं इसको अपग्रेड कर लूँ। और पहले तो इस वाले को भी 1500 वाली अपग्रेडिंग दे दो, क्योंकि
देन अच्छे पैसे मिलेंगे अपने को, लाइक कम ऑन। ओके फाइनली ओके ऑलराइट, तो वेल अपने दो फार्म मैक्स हो चुके हैं और अगर अगर टाइम मिला तो मैं तीसरे को भी मैक्स कर दूंगा, बट सही कहूँ नहीं, अपने पास टाइम नहीं है तो पहले इस बंदे को बेचने दो, इसकी जगह पर यहाँ पर एक यूटीसी यहाँ बिल्कुल ओके यहाँ यूटीसी प्लेस करने दो और इसी ही के आगे एक शील्ड वाला बंदा लगा दो, या थोड़ी सी अपग्रेडिंग दे देते हैं क्योंकि बिना अपग्रेडिंग के तो इसकी ऐसी तैसी हो जाएगी, या तुमने सही सुना ऐसी तैसी एक्चुअली है ना। एंड वेल जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं इस बंदे को प्लेस, ओ ज़्यादा आगे दे दिया ना, कोई बात नहीं कोई भी बात नहीं है ना, कोई भी बात नहीं, अभी के लिए अपने यूटीसी को 1500 वाली अपग्रेडिंग दे देते हैं क्योंकि दैनी अच्छा पेलेगा या दैनी बहुत ही अच्छा पीटेगा। ओके एंड वेल भैया अब अपने पास दूसरा मौका है अपने फार्म्स को अपग्रेड करने का, क्योंकि इसके बाद कोई भी मौका नहीं मिलेगा अपने को, ट्रस्ट मी। ओके अभी मौका है, अगर कर दिया तो ठीक, नहीं तो भूल जाओ एक्चुअली। ओ यस अभी ही टाइम है। ओके एंड क्या मेरे को इस बंदे को भैया 2500 वाली अपग्रेडिंग देनी चाहिए? या डेफिनेटली। और क्या आपने को वो 3000 वाली अपग्रेडिंग इसको नहीं देनी चाहिए थी? आई नो गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं, इतनी बड़ी गलती ना थी तो वी कैन इग्नोर दिस, क्योंकि वो अब दे देंगे ठीक है, वो तब ना दी कोई बात नहीं अब दे देंगे। और बाय द वे भैया तुम लोगों का मेन गोल होने वाला है पहले अपने यूटीसी को मैक्स करना, क्योंकि आज अपने पास यहाँ कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, तो भैया जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा अपने यूटीसी पे फोकस करो ताकि कोई बंदा सरवाइव करके निकल ना पाए। या दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग एक्चुअली है ना। और यहाँ पर ऐसी तैसी होने वाली कंडीशन आ चुकी है अपनी, बस अपने को फोकस करना पड़ेगा अपने इस बंदे के पास कोई बंदा ना आ जाए, बंदे से मेरा मतलब कोई नशेड़ी यूनिट, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो या देन तुम्हारा लॉस हो जाएगा, इसमें तुम्हारा घाटा, इन लोगों का कछु नहीं जाता। 4000 वाली अपग्रेडिंग भी दे देते हैं इस बंदे को और या डेफिनेटली या अब ये बहुत सही सूटेगा, सभी को बड़े आराम से कूटेगा, बट पहला अपना टारगेट होने वाला है इस बंदे को 8000 वाली अपग्रेडिंग देना, देन इसमें एओई वाली शक्तियां आ जाएंगी और देन बहुत ही सही रहेगा, देन बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। पहले इस बंदे को 4000 वाली अपग्रेडिंग देने का मन तो हो रहा है मेरा, बट नहीं पहले इसी ही को अपग्रेड करेंगे क्योंकि इसका डैमेज ज़्यादा है एंड उसने इसको नशा दे दिया। कोई बात नहीं, ये अगेन अपनी पोजीशन में आ गया। ओके अगेन अपनी पोजीशन में आ गया, ब्रदर जल्दी जल्दी कर यार, कम ऑन वी नीड बहुत सारा पैसा, अपने भाई पैसा ही नहीं है यार मेरे को, मैंने बोला था उस टाइम हो जाता जो हो जाता, देन तुम्हें कोई चांस नहीं मिलेगा। ओके तो वही है ओके अरे पैसा यूनिट, दैट्स व्हाट आई वांट एक्चुअली है ना, इनको पेलो या इन्हीं को मारो। ओके एंड ये लो बूम, अब इसमें एओई वाली शक्तियां भी आ चुकी है तो लविंग इट। अब ये सभी को डैमेज देगा, बराबर डैमेज देगा। और भाई देखो भैया अब इस वाले बंदे को अपन दे देते हैं 4000 वाली अपग्रेडिंग और देन अच्छा रहेगा, देन बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि इसकी रेंज बढ़ जाएगी, डैमेज भी बढ़ जाएगा। और भाई देखो ये बच्चा ट्राई टू नशा, बट या ऑब्वियसली इस बंदे को 8000 वाली शक्तियाँ मिल चुकी है, अब कहीं का नशा भाई, अब कोई नशा नहीं होता। ओके एंड ये उग्रवादी खानदान के लोग दिक्कत दे सकते हैं, बट यस थैंक्स टू आर एओई डैमेज अपन इनको बड़े आराम से कूट सकते हैं। यस एओई वाली शक्तियाँ बहुत ही क्यूट होती है। ओके और वेल भैया अब अपने पास टाइम है तो एक काम कर लेते हैं, अपने एक और पंपकिन फार्म को मैक्स कर लेते हैं क्योंकि दिस इज आवर लास्ट चांस बाय द वे। ओके दोनों मैक्स हो चुके हैं, अब अपने को डरने की जरूरत नहीं है, अब अपन सिंपली यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। ओके अपने यूटीसी पर, या ऑफ कोर्स अपने यूटीसी पर। ओके एक्चुअली इसको 10000 वाली अपग्रेडिंग देना अभी उतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि उससे सिर्फ थोड़ा सा ही इंक्रीजमेंट होगा, बट अगर बात करें इसकी तो इसमें बहुत सारा होगा, तो मैं सोच रहा हूँ पहले भैया अपने शेफ को मैक्स कर देते हैं और उधर की सोचते हैं, थोड़ा वेट करके उधर की भी सोचेंगे है ना, पर पहले अपने टीवी अपने मास्टर सेफ को मैक्स कर लेते हैं। और ये आए पैसा वेब, इसको तो भैया एओई डैमेज खा जाएगा। और बाय द वे ये देखो तुम भाई, इस बंदे को पता नहीं कौन सी आस की कबूत चढ़ रहा है, मरना मंजूर है बट जाना नहीं
वियर्ड गाय एक्चुअली। ओके तो अब अपना ये वाला बंदा मैक्स हो चुका है, ये बहुत ही प्यार से कूटेगा, इसका कूल डाउन खत्म हो चुका है, डैमेज बढ़ चुका है और अब अपन लोग प्योरली फोकस कर सकते हैं अपने यूटीसी पर। या इसकी शक्तियां बढ़ेंगी और ये बड़े आराम से पीटेगा। और बाय द वे इसको मेरे को यहाँ लगाना चाहिए था, है ना, थोड़ी सी मिसप्लेसिंग हो गई बाय द वे। कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है, वी कैन इग्नोर दिस। ओके एंड क्या मेरे को एक और मास्टर सेफ प्लेस करना चाहिए? मैं कहूँगा वेल डेफिनेटली अपने को करना चाहिए। कम ओके फाइन मैंने अपग्रेड, कोई बात नहीं, यहाँ आ जाते हैं, इस बंदे को मैक्स कर देते हैं, या दैट्स ऑल। ओके तो जैसे ही चांस मिलेगा मैं इस बंदे को यहाँ पर प्लेस कर दूंगा बस। ओके भाई क्या हो रहा है यार, कर दो ना इसको प्लीज यार, ये बंदा बावला हो चुका है लिटरली। आगे वाला कोई बात, ओके यहाँ कर देते हैं, नेवर माइंड। ओके एंड इसको अपग्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि दोनों भाई मिलके भैया बहुत ही खूबसूरत पीटेंगे। एंड भैया ये दोनों मिलके इनको स्लो करेंगे और रेस्ट ऑफ वर्क अपना यूटीसी कर ही देगा। बट भैया वेव 40 के बाद ना बहुत पावरफुल यूनिट आएंगे, तो अपन सिर्फ यूटीसी पे फोकस नहीं रह सकते, अपने को कुछ और भी करना पड़ेगा, लाइक अनोदर यूटीसी या अनोदर यूटीसी। और क्या मैं उसको यहाँ बगल में चिपका सकता हूँ? I can't बट प्लीज कह तो मैं लगा सकता हूँ, प्लीज मेरे को यहाँ कहीं मैं अट जाता हूँ और यहाँ कहीं भाई इतना दूर भी चलेगा, मेरे को कोई कलेश नहीं है। ओके इसकी एओई की शक्तियाँ यहाँ तक पहुँच जाएंगी, बस एक चांस दे दो मेरे को इस बंदे को यहाँ प्ले। अरे वाह, दैट्स व्हाट आई वांट एक्चुअली, है ना, दैट्स व्हाट आई वांट। और वेल भैया आप सिंपली एक इसके आगे अपन अपना आर्मर वाला बंदा प्लेस कर देते हैं लाइक हियर और दैट्स ऑल, लिटरली दैट्स ऑल। ओके दैट्स ऑल, इस बंदे को मैक्स कर देते हैं, इस बंदे को 300 वाली अपग्रेडिंग दे देते हैं और अब डरने की जरूरत नहीं है, अब कतई भी डरने की जरूरत नहीं है। ओके अब कोई भी बंदा इन दोनों भाइयों से पास थ्रू हो ही नहीं सकता। मैक्स अपग्रेडेड, यस डेफिनेटली मैक्स अपग्रेडेड। ओके तो यह बड़ी प्यार से कूटेंगे और इस बंदे को पहले तो भैया 8000 वाली अपग्रेडिंग दे दो क्योंकि या डबल ईओई डैमेज डबल फन एक्चुअली, है ना। और यस आई नो तुम लोग सोच रहे हो ब्रदर तू अपने इस सीक्रेट एजेंट का क्या करेगा, वेट करो बताता हूँ। ओके बट पहले अपना ईओई वाला हमला एक्टिवेट कर देते हैं और यस ऑफ कोर्स डेफिनेटली यस ऑफ कोर्स यहाँ बहुत ही अच्छी सिचुएशन आ चुकी है अपने पास एक्चुअली, है ना। अपन जीत सकते हैं, अपन हर ऑब्वियसली जीत तो सकते ही है, मुझे ऑलरेडी मालूम है, बट मेन तो भैया टाइम है ना, टाइम बचाना है अपने को, या वी नीड टू सेव आर टाइम एक्चुअली, है ना। सो बस होप कर लेते हैं कि जो चल रहा है वो बहुत ही सही चलता रहे। और ओ भाई इनका एओई डैमेज बहुत है भाई, अपने को लिटरली दूसरे हम लोग की जरूरत ही नहीं है, एओई ही इतना पावरफुल है। और भाई तुम्हें इस बंदी को 8500 वाली अपग्रेडिंग देनी है ना। वेल डोंट वरी गाइस, डोंट वरी, आई नो तुम लोग पावरफुल हो तो मैं तुम लोगों को शक्तियां दूंगा, मैं तुम लोगों को अवश्य ही शक्तियां दूंगा। और भाई इन दोनों को पास पास लगाना कितना सही ऑप्शन था अपना, है ना, देख रहे हो, नहीं डैमेज देख रहे हो कितना अच्छा डील कर रहे हैं दोनों भाई मिलके, दैट्स व्हाई। तो भैया मैंने चिपकाया था इन दोनों को एक साथ एक्चुअली, है ना। ऑलराइट तो वेल फटाफट भैया आ जाते हैं और इस बंदे को दे देते हैं 8500 वाली अपग्रेडिंग एंड दोनों भाई मैक्स हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। और प्लीज कह दो अभी, वेल भाई दे अपने को नीड नहीं है रश का, नहीं वेव 39 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो प्लीज़ कह दो ये बंदा भी यहाँ कहीं पे भी, भाई इसको कहीं भी फिक्स कर दो, इतना दूर नहीं एक्चुअली, थोड़ा पास, मतलब कम ऑन। ओके फाइनली ये हो गया। ओके तो बस जस्ट सिंपली इसके भी आगे एक ये लगा दो, दैट्स ऑल, ठीक है, दैट्स लिटरली ऑल, है ना। और या डेफिनेटली दैट्स ऑल। ओके देख रहे हो तुम, तीन यूटीसी इन रो एंड कोई भी बंदा अब इधर से आगे जा ही नहीं पाएगा। और आई नो तुम लोगों के अभी भी मन में चल रहा है ब्रोदर सीक्रेट एजेंट का क्या करेगा, भाई सबर नाम की चीज़ रखो यार, बता रहा हूँ
मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, सीक्रेट एजेंट का यूज भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच, ओके, या डेफिनेटली। ऑलराइट, वेल फर्स्ट ऑफ ऑल 8000 वाली अपग्रेडिंग और देन 10000 वाली अपग्रेडिंग, जो भी वेल अभी ही हो जाएगी, कोई कलेश नहीं है। एंड बाय द वे भैया, आपने को पैसा सेव करके रखना पड़ेगा, क्योंकि या कल का क्या भरोसा क्या हो जाए। तो दैट्स आखिरी अपग्रेडिंग, इसके बाद मैं किसी भी अपने बंदे को अपग्रेडिंग वगैरह नहीं दूंगा। और भैया म्यूटेंट टॉयलेट की भैया हालत देख रहे हो तुम, तीन तीन बंदे हैं, दैट्स व्हाई भैया उसकी जिंदगी नरक कर दी इन लोगों ने मिलके कतई। एंड यहाँ पर बस अब अपन लोग बैठ के तमाशा देख लेते हैं, क्योंकि नाउ अपने को कछु करने की जरूरत नहीं है, अपने को कोई भी एक्स्ट्रा यूनिट प्लेस करने की जरूरत नहीं है, ये जितने भी हैं उतने बहुत हैं, ये इनफ है, ये इनफ है, ओके। अपने को कोई दूसरा बंदा प्लेस करने की नीड है ही नहीं एक्चुअली, ओके। बट अगर स्टिल तुम लोगों के चुल हो, अगर तुम्हारे मन में हो कि अपग्रेडिंग कर ले, एक और बंदा प्लेस कर ले, तो नहीं मत करना। पहली बात नीड नहीं है, और दूसरी बात वी नीड टू सेव मनी, ओके। काहे को, वेल बस वेट कर लो, थोड़ा सा वेट, क्योंकि अब हो गया काम, ओके। अब वो घड़ी आ चुकी है जब अपन लोग अपनी स्ट्रैटेजी का मेन हुकुम का इक्का खोलेंगे, जब अपने को बहुत सारा पैसा चाहिए होगा, बहुत सारा, ओके, भर भर के मात्रा में एक्चुअली। एंड यहाँ इन लोगों की सिचुएशन भाई मैंने लिटरली बर्बाद कर दी, देख रहे हो, तीन यूटीसी इन अ रो, जो भी मैक्स अपग्रेडेड, वी कछु की नीड नहीं एक्चुअली, ना 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 ना, वी डोंट नीड टू एनीथिंग एक्चुअली, ओके। यहाँ पर दो मास्टर सेफ लगे हुए हैं अपने, और यहाँ पर यूटीसी। अब भला भैया मेरे को का चीज चाहिए होगी, वेल अपने को अभी भी कुछ चाहिए, और ये साइंटिस्ट आगे बढ़ गया, अपना एक यूटीसी फेल हो गया, उसको नशा हो गया, बहुत ही भयंकर, जो भी भाई, ओके। तो वेल पहले इस बंदे को मैक्स कर देते हैं, क्योंकि आई गेस इसी ही की वजह से ये हो रहा है, ओके ओके। मैं यार ज़्यादा पैसा नहीं गया, कोई कलेश की बात नहीं है, ये तीनों बंदे मैक्स हो चुके हैं, तो अब सही है, ओके। हाँ, मतलब मैक्स होने के बाद इन पे भी भैया कोई ना कोई शक्ति तो आती होगी, दैट्स वाई तो शील्ड लेज़र, मतलब गेट इट माई पॉइंट, आई गेस सो एक्चुअली, ओके। ऑलराइट, तो वेल ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इन बच्चों को आराम से पेला जा सकता है, इनके लिए अपने को डरने की ज़रूरत नहीं है। और एक और साइंटिस्ट भी टॉयलेट वाटेवर जो भी है वो आ चुका है, और वेव 50 स्टार्ट होने वाली है, और जैसे ही ये स्टार्ट होगी मैं इसको बंद कर दूंगा, यस, जैसे ही ये स्टार्ट होगी मैं इसको बंद कर दूंगा, और जितना जल्दी हो सके अपने सारे बंदों को यहाँ से सेल कर दो, या जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, मैं बता रहा हूँ ना, वेट करो यार, तुम लोग कहते बेसब्री हो रहे हो यार कि भैया क्यों कहें कैसे, मतलब वेट वेट करो, बता रहा हूँ, ओके, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी के लिए इन सभी को पहले सेल कर देते हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, एंड या दैट्स ऑल एक्चुअली, दैट्स ऑल एक्चुअली, ओके। अब वेल अपने को वेट करना पड़ेगा इसका, यस, मैं इसी ही का वेट करने वाला था, और इसी ही के लिए मैंने अपना सीक्रेट एजेंट लिया है एक्चुअली, यप, दैट्स वाई एक्चुअली, है ना। अब इसको मैक्स कर देते हैं, और या उसने ज़्यादा डैमेज नहीं दिया, बट दिया कछु तो, ओके। एंड वेल भैया इस बंदी के आने से पहले पहले अपने को लाइक हेयर ये आ रहा है, तो पहले इसकी लेजर ओवर ऑन दो, क्योंकि अगर तुमने इसकी लेजर में चलते चलते दिया ना तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मैक्स कर देते हैं, ये लो मैक्स कर दिया अगैन, और अगैन इसको सेल कर देते हैं, और अगैन इसको प्लेस कर देते हैं, दैट्स ऑल एक्चुअली, है ना। एंड इसको अगेन डैमेज मिला, अगेन इसको सेल कर दो, और अगेन इसको यहाँ पर प्लेस कर दो, अगेन इस बंदे को अपग्रेड मैक्स कर दो, एंड अगेन डैमेज दिया, अगेन इसको सेल कर दो, दैट्स इट। यही तुम्हें रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट करना है बाय द वे एक्चुअली, है ना। ऑलराइट, तो पहले इस बंदे को मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, इसको पहले फटाफट आ जाते हैं, मैक्स अपग्रेड कर देते हैं, एंड अब एक्चुअली एक और यूटीसी प्लेस कर दो, क्योंकि पैसा बच रहा है, टाइम भी बच रहा है, तो जस्ट डू इट। एंड भाई साहब अब अपने पास टाइम नहीं है, पहले तो इस बंदे को सेल करने दो, और देन इस बंदे को अगेन प्लेस कर देते हैं, और अगेन इसको अपग्रेड, एंड ओके नाइस, दिया उसने डैमेज, ठीक है। एंड वेल भैया अब अपने पास थोड़ा सा ही टाइम बचा है, प्लीज इस बंदे को पेल दो यार, प्लीज गाइस, आई कैन स्टिल मैनेज टू, ओके एक और लगा भाई, अरे क्या 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 क्या, ओके। एंड
बिल्कुल भैया अपन ने इसको खत्म किया 18:42 में। आई नो कि ये उतना तेज नहीं है जितना अपन ने एक्सपेक्ट किया था, बट स्टिल है एटलीस्ट भैया प्रीवियस जो स्कोर था वो तो बीट हो गया ना। पहले वाला मेरा स्कोर था 18:46 का एंड इस बार मेरा स्कोर था 18:42 का। आई नो कि मतलब ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल है वी डिड इट, मतलब जो कहा था वो कर दिया, अपने अपना पुराना स्कोर बीट कर दिया। एंड जल्द ही आने वाली वीडियोस में अपन करेंट स्कोर भी बीट कर देंगे, बट आज के लिए बस इतना ही।